Welcome everyone to Beyond the Boundary powered by Mutual Fund Sahi Head. On today's episode, we have Indian cricketer Yastika Bhatia, who was dropped to now coming back to the T20I setup. Great domestic season, the future T20 World Cup, and a lot of talk about the potential women's IPL. Have a look at the episode. Direct plan. Mutual fund schemes mein khud invest karne ka ek option hai. Mutual funds. खुद ही सी जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा तो दिखता ही है भाई पर तू तो सेल्फ मेड है भाई well, देख मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए हाँ सेम बट डायरेक्ट प्लान यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए सही है म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें Yastika, welcome to the show and first of all, congratulations getting selected for the all-important Australia series जिसके बाद T20 World Cup है. Thank you so much, Yash. मुझे बताइए कि first question, मुझे बताइए कि कितना difficult होता है कि debut करना और उसके बाद में team से निकल के comeback करना. दोनों ही difficult है. क्योंकि पूरे इंडिया में इतने सारे लड़कियां क्रिकेट खेलती है सब इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं तो एक तरह से इंडिया तक पहुंचना एक अपना उसका वो रहता है स्ट्रगल रहता है और दूसरा कमबैक का और रहता है तो कमबैक में इट्स इवन मोर डिफिकल्ट क्योंकि एक बार आप जाके फिर वापस आपको उनकी नजरों में आना और वापस अपना मार्क लगाना तो उसमें आपको कुछ हटके करना पड़ता है कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ता है तभी जाके वापस आपको दोबारा मौका मिलता है क्योंकि सेकेंड चांसेस इजी नहीं रहते तो इस बार आपने क्या वो हटके किया था क्योंकि हमने देखा आपका जो डोमेस्टिक सीजन है काफी अच्छा रहा है आपने नियरली हर मैच खेल लिया है जोनल्स हो बड़ोड़ा के लिए हो चैलेंजर में हो और उसके बाद में चैलेंजर में आपने एकदम टॉप रन स्कोरर भी किया हाँ मतलब उसमें से रहता है कि जैसे T20 में थोड़ा हम स्ट्राइक रेट की बात करते तो स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करना और मोस्टली मेरा प्रॉब्लम बाउंड्री हिट करना नहीं था मेरा प्रॉब्लम था सिंगल्स जो निकालना है तो उस पे मैंने वर्क किया कि किस तरह सिंगल्स निकाल सकते हैं इवन पावर प्ले में सिंगल्स निकालना पावर प्ले के बाद सिंगल्स निकालना तो वो चीजों पे ज्यादा वर्क किया तो उससे काफी बेटर रनिंग बिटवीन पे वर्क किया तो. मैं भी एक प्रश्न डालता हूँ आपको ये थोड़ा ट्विटर के ऊपर काफी फैंस ने ये बोला है कि यास्तिका भाटिया ओपन तो कर रही है लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट उतनी नहीं है जो आपने अभी स्ट्राइक रेट का जिक्र किया कि वो पावर प्ले में इतनी स्लो खेल रही है हाँ वो आखिरी में पूरा निकाल लेती है लेकिन शायद वो मौका उनको बार बार इंडिया के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो बैटर्स जो बॉलर्स आप इंडिया के अगेंस्ट में खेलोगे वो शायद मच बेटर रहेंगे एक डोमेस्टिक बॉलर के कंपैरिजन में तो शायद आपको वो मौका नहीं मिलेगा तो आपको उसके लिए आपका क्या जवाब है क्यों आप क्यों इतना स्लो खेल रहे थे और उसके बाद में जब आप अगर हम आपकी फाइनल इनिंग्स भी देखें तो शायद आपके पहले 27 गेंदों में 21 रन थे और उसके बाद जो 28 गेंद थे उसमें आपने 56 के ऊपर रन मार दिए थे से सिर्फ फाइनल की आप बात करें उसी में इस तरह की इनिंग मैंने खेली थी बाकी तो मैं पहले से मैं अटैक कर ही रही थी तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि फाइनल ऐसा मुकाबला था कि अगर आप इनिशियल ज्यादा विकेट्स लूज कर लेते तो शायद हम वो गेम नहीं जीत पाते तो मेन एम जो है हमारा वो ट्रॉफी जीतना था गेम जीतना था तो उस समय कुछ ऐसा दिमाग में नहीं था कि इतने स्ट्राइक रेट से ही मुझे खेलना है या ऐसे करना है वैसे करना है उस समय जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो उस चीज को ध्यान में रख के मैंने अपना इनिंग्स को पेश किया और जैसे देखे तो मेरे सामने जो बैट्समैन थी वो एक अलग ही फॉर्म में चल रही थी वो अपना रन बना रही थी तो मुझे उस टाइम पे कुछ करने की जरूरत नहीं मैं उसको स्टैंड दे रही थी और जैसे मुझे मौका मिला जब वो आउट हुई तो मुझे लगा कि नहीं अब मुझे अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और थोड़ा अटैकिंग खेलना चाहिए तो मैंने उस हिसाब से खेला कभी कभार अपने ईगो को साइड पे रख के आपको बैटिंग करना पड़ता है क्योंकि आप हमेशा अगर एक ही पेस से आप खेलते रहोगे तो हो सकता है कि रोज आपको रिजल्ट ना मिले तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस करने के लिए कभी कभार आपको एक बैकफुट पे भी लेना पड़ता है कि चलो बॉलर अच्छा डाल रहा है उसको रिस्पेक्ट किया जाए अपना
वो किया जाए, फिर बाद में आप उस पर अपना स्ट्राइक रेट कभी भी बढ़ा सकते. So it is more about the team combination, what the team wants to win, rather than concentrating always on strike rates is what the mantra is about. Yastika, आपने दो मेरे हिसाब से बड़े knocks खेले, including the 99. कितना confidence आता है, क्योंकि आप एक ऐसी side के against खेलने वाले हो, which is considered to be the best cricketing team in whatever 2-3 decades or so. काफी उससे कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि एक T20 मैच में 100 के 99 तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो वो चीज से काफी एक बूस्ट अप मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है. और साथ ही साथ तो मतलब एक ऐसे रहता है कि अगर आप इस तरह से बैटिंग कर सकते हैं कि कभी भी आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, कभी भी आप बैकफुट पे ले सकते हैं, आप अपने तरीके से बॉलर्स को डिक्टेट कर सकते हैं, तो वो चीज अलग ही आपको कॉन्फिडेंस देता है. और वही कॉन्फिडेंस में अभी ये सीरियस सीरीज में और अगर वर्ल्ड कप में मौका मिलता है तो उसमें करना चाहूँगी कि जो जो मैंने डोमेस्टिक से सीखा है, जो जो मेरे इस रिटर्न से जो भी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है, वो मैं आगे इसमें अप्लाई करूँ. अभी एक इंडिया टीम के पास अगर हम आए तो एक बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन है स्पोर्ट्स के लिए, कि किसको नहीं पता है कि कौन एग्जैक्टली फिक्स है एट व्हाट पोजीशन. इसमें मजा आता है या ऐसा लगता है यार बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब 15 में मार लिया, अब 11 में मारने की ज्यादा जरूरत है. हाँ देखिए, 15 तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे इंडिया में इतने सारे लड़कियां हैं, सब टैलेंटेड है, अब इंडिया में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, तो इस तरह से खेल के 15 तक पहुंचना ही बहुत आपस में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और बस यही है कि जब भी मौका मिलेगा अपने बेस्ट देना है और टीम के लिए अच्छा करके जिताना है, ये सब चीज ज्यादा दिमाग में है नहीं. इस बार एक बहुत ही डिफरेंट यास्तिका भाटिया, जिसने शायद कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लिया है, जिसने वर्ल्ड कप खेल लिया है, जिसको एक एक्सपीरियंस आ चुका है हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल का, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके ऊपर की यार तब तो मतलब ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन अब काफी कुछ पता है, अब नजरें ज्यादा होंगी आपके ऊपर compared to when you were debuting 15 months back. Yes, काफी कुछ changes आए हैं मेरे अंदर 15 months पहले से, और काफी कुछ सीखने मिला है इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में, अप्स एंड डाउन बहुत सारे रहे, तो वही है कि ये सारी चीजें आती रहती है स्पोर्ट्स में, और ये सब एक्सेप्टेड है. अगर आप अच्छा करोगे तो लोग अच्छा बोलेंगे, बुरा करोगे तो बुरा बोलेंगे, तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड और सब इस पैकेज के साथ ही आता है, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे अपना बेस्ट एफर्ट देने की, मेहनत करने की कोशिश करेंगे. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी के बारे में देखिए, तो हरमनप्रीत कौर को कप्तानी मिली थी वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद जितनी सीरीज हो रही है वो सारी जिताते जा रही है. कॉमनवेल्थ गेम्स बस आपका एक वन स्पॉट पे बच गए, शायद वो भी हो जाता, लेकिन श्रीलंका में जिताया, इंग्लैंड में हिस्टोरिक सीरीज विन, हमने कभी ऑस्ट्रेलिया को मात नहीं दी है. हरमन की कप्तानी के बारे में आप क्या बोलेंगे, कितनी वो, क्योंकि बाहर दिखने में वो काफी अग्रेसिव है, वैसे वो कप्तान कैसी है? वो बहुत ही मतलब एक कैसे कप्तान है जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं हमेशा, के बोलने से ज़्यादा एक्शंस पे बिलीव करते, और एक्शंस उनके हमेशा टीम के लिए पॉजिटिव, और एक जो एनवायरनमेंट वो बनाते हैं उसमें बहुत ही मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर इंजॉयबल रहता है, कि इच्छा होती है कि उनके साथ टीम में रहे और अच्छा करें, और हमेशा वो मतलब यंगस्टर्स जो उनको बहुत बैक करते हैं, उससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हमारे कैप्टन हमारे साइड है, तो कुछ भी होगा वो रहेंगे, तो हम लोग बिंदास जाके खेल सकते हैं, बिंदास अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो वो एक अच्छा रहता है. तो एज ए कैप्टन उनको बहुत ट्रस्ट है हम पे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. और जैसा मैंने बोला, वो इतने सारे सीरीज हुए उसमें हमेशा मतलब मोस्टली वो हाइएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, मोस्टली हाइएस्ट कैचेज उन्होंने पकड़े हैं, बॉलिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो मतलब वो हमेशा वो सबसे ऊपर रहते हैं, तो उनको देख के पूरी टीम लिफ्ट होती है कि नहीं उनके जैसा परफॉर्मेंस हमें भी करना है, तो उससे काफी मोटिवेशन मिलता है, तो हमें कहीं और देखना नहीं पड़ता मोटिवेशन के लिए, हमारे
टीम में ही मोटिवेशन है, हमारे कैप्टन ही हमारे मोटिवेटर। फाइनल थॉट्स, ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू हो रहा है, बैक इन दैट इंडिया साइड, क्या आपके ऊपर अब एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहेंगे? क्या लग रहा है, क्या करना है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ताकि वो एक T20 वर्ल्ड कप का जो एक जो कि शायद उसी टाइम पर हमारा स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा, क्या करना है ऐसा अलग कि अब बस T20 वर्ल्ड कप और हम ये जीत के आना है इस बार? जी, काफी एक्सपेक्टेशंस काफी निकाय रहेगी और वही चीज हमें चाहिए भी, क्योंकि हम चाहते हैं जितने ज्यादा लोग वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करें, जितना ज्यादा देखें, आगे बढ़ाएं, तो वही हमारी भी इच्छा है। लेकिन हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वही है कि वो चीजें तो होती रहती है, लेकिन हमें अपने परफॉर्मेंस पे हमें अपने लिए खेलना है, अपनी टीम के लिए खेलना है, कि हमने जितनी मेहनत करी है उस चीज को हमें एग्जीक्यूशन में और टीम के फेवर में जो रिजल्ट है उस चीज के लिए उतारना है, तो हम उसी चीज पे फोकस करेंगे और वही प्रोसेस पे ध्यान देंगे। और IPL आ रहा है, पहला IPL, मजा आ रहा है, क्या फीलिंग्स है, वो इंटरनल ड्रेसिंग रूम टॉक्स क्या है कि क्योंकि जितना मुझे पता है कि सारे लोग एक्साइटेड है IPL के लिए, आप कुछ अंदर से ड्रेसिंग रूम से बताइए कि क्या लग रहा है, क्या लड़कियों में क्या वो एक जोश है, क्या है? बहुत बहुत एक्साइटमेंट है सब में, पहली बार IPL होने जा रहा है और सब अपने मतलब अलग अलग टीम से खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ, तो मतलब एक दूसरे को ऐसे ही छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है कि मैं तुझे आउट कर लूंगी या मैं तेरे सामने रन बना लूंगी, ऐसे थोड़ा बहुत वो इंटरनल टॉक्स वैसे ही रहते हैं और बस एक्साइटमेंट है और काफी अनसर्टन रहेगा, क्या रहेगा वो किसी को भी पता नहीं, तो हम लोग सिर्फ एक्साइटमेंट से वेट कर रहे हैं जो भी होगा उसके लिए। वर्ल्ड कप काफी कुछ आ रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, होप यू परफॉर्म वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, चीयर्स।